हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ रोबोटिक डीआई। और रोबोटिक डीआई को हम करेंगे अभी आईबीपीएस पीओ मेंस में। ऐसी डीआई ही पूछी गई थी तो उसी लेवल की डीआई, मतलब वही डीआई हम एज इट इज करने वाले हैं। एक बिल्कुल मेमोरी बेस्ड होगा, लेकिन ये डीआई करने में आपको बहुत आनंद आएगा और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रोबोटिक डीआई करते हैं। तो रोबोटिक डीआई आपकी स्क्रीन के सामने आ रही होगी। मैंने सिर्फ अभी इसकी डीआई लिखी है, कैसलेट लिखी है। अब इसको हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिकली है क्या। तीन टाइप के रोबोट दिख रहे हैं आपको, रोबोट ए, रोबोट बी और रोबोट सी। उसके बाद आपको बोल रखा है कि रोबोट ए की बैटरी कैपेसिटी दे रखी है, बैटरी परसेंटेज दे रखी है। 9 लैक मूवमेंट, 5 लैक मूवमेंट इज इक्वल टू 1 यूनिट बैटरी डिस्चार्ज होती है उसकी। अगर आप वो 9 बार गर्दन घुमाए और 5 बार चले तो उससे 1 यूनिट जाती है बैटरी की। ठीक है, और रोबोट ए कंप्लीटली डिस्चार्ज होता है 1.5 घंटे के अंदर। तो जो डेटा दे रखा है ना उसके हिसाब से लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये टेबल आपको दिख रही होगी। देखो एक तो हो गए 3 टाइप के रोबोट, एक बैटरी, कितनी बैटरी है मतलब कितना यूनिट है बैटरी में और कितना अवेलेबल बैटरी है। ठीक है, एक नेक मूवमेंट की बात करी है, एक लैक मूवमेंट की बात करी है, एक उसका डिस्चार्ज पॉइंट की बात करी है और 1 यूनिट में वो कितना कर लेता है वो बता रखा है। ठीक है, तो मैं सारा लिख देता हूं एक बेसिकली आपके लिए। देखो ध्यान से, ये तो रोबोट्स की बात करी है, रोबोट, ये जो बात करी है अवेलेबल बैटरी, टोटल बैटरी, टोटल बैटरी, और ये है अवेलेबल बैटरी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं अवेलेबल बैटरी। ठीक है, बैटरी मतलब उसमें कितनी बैटरी है अभी, वो चीज। एक नेक मूवमेंट की बात करी है, एक लैग मूवमेंट की बात करी है, ठीक है, और एक है कंप्लीटली डिस्चार्ज कब हो जाएगी। तो कंप्लीट डिस्चार्ज टाइम, ठीक है, टाइम, कंप्लीट डिस्चार्ज टाइम। ठीक है, और देखिए ये क्या दे रखा है आपको, ये बेसिकली दे रखा है आपको 1 यूनिट में कितना कितना मूवमेंट होगा 1 यूनिट में। ठीक है, ये आपको दे रखा है 1 यूनिट के अंदर कितना कितना होगा। चलो अब हम धीरे धीरे सबकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं पहले रोबोट ए। रोबोट ए की ले ली तो इसने साफ साफ बोल दिया बैटरी की कैपेसिटी है 1000 यूनिट, 1000 यूनिट की बैटरी है, 90% बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है उसमें। तो 1000 का 90% हुआ 900 यूनिट अवेलेबल है, 900 यूनिट अभी अवेलेबल है। नाइक नेक 9 बार गर्दन घुमाता है और 5 बार अगर चलता है तो 1 यूनिट जाती है। तो देखो 9 बार नेक मूवमेंट और, ठीक है, 9 बार नेक मूवमेंट प्लस 9 बार नेक मूवमेंट प्लस 5 बार लेग मूवमेंट इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो ये 1 यूनिट हो जाता है, 1 यूनिट, 9 बार नेक मूवमेंट और 5 बार लेग मूवमेंट। ठीक है, चलो इतना हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अब इसमें देखो एक चीज और है। तो अगर हम इसको देखें तो वो 1.5 घंटे में डिस्चार्ज हो रही है। 1.5 घंटे का मतलब होता है, देखो नेक का जो मूवमेंट है ना 5 लैक मूवमेंट और ये, ठीक है, ये आपका देखो सीधा सीधा बात है, जो नेक मूवमेंट है अगर आप रोबोट बी और सी देखो मिनट में है तो ये डिस्चार्ज टाइम में मिनट में कर लो तो ये 90 मिनट हो गया। ठीक है, तो नेक मूवमेंट निकाले 1 मिनट में कितना करेगा, निकालना पड़ेगा ना। तो ये कैसे निकलेगा, देखो इसका नेक मूवमेंट निकालना है या इसका लेग मूवमेंट निकालना है। तो देखो 9 नेक मूवमेंट और 5 लैक मूवमेंट 1 यूनिट में ये करना है। कितनी यूनिट में करना है, 1 यूनिट में। टोटल बैटरी कितनी है, 900 यूनिट। तो अगर मैं 900 यूनिट में देखूं तो 900 से मल्टीप्लाई कर दो तो 900 यूनिट में कितना करेगा, 900 यूनिट में ये करेगा 8100 और ये करेगा आपका 4500। करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो ये 900 यूनिट में करेगा ये 8100, ये 4500। ठीक है, अब मुझे पर मिनट निकालना है, नेक का मूवमेंट पर मिनट निकालना है तो 90 से डिवाइड कर दो
ठीक है, 90 मिनट तक चलेगा ना ये, तो ये कितना आ गया 90 पर मिनट, नेक मूवमेंट कितना आ गया 90 पर मिनट, ठीक है। और अगर मैं इसका निकालूं, 90 मिनट है तो 4500 चलता है ये 900 यूनिट में, तो देखो कितना हो गया ये 50 पर मिनट हो गया, ये आपका कंप्लीट हुआ है ना, तो ये कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि हमें पर्टिकुलरली नेक मूवमेंट निकालना पड़ा, लेग मूवमेंट निकालना पड़ा। बैटरी कैपेसिटी है 2000 यूनिट, तो ये आ जाओ आप इस पे, 2000 यूनिट है, 2000 यूनिट के अंदर 75% इसकी बैटरी परसेंटेज है, तो 75% हो गया 1500, ठीक है 1500 हो गया। नेक मूवमेंट दे रखा है आपको कितना, 30 पर मिनट, लैग मूवमेंट जो है रोबोट बी का, वो लैग मूवमेंट रोबोट ए के बराबर है, मतलब ये 50 होगा, सेम है दोनों का, बोल दिया उसने, ठीक है। अब इसने बोला 3 नेक मूवमेंट और 5 लैग मूवमेंट, देखो 3 नेक मूवमेंट प्लस 5 लैग मूवमेंट, 3 नेक मूवमेंट और 5 लैग मूवमेंट के जो है वो एक यूनिट है। अब मुझे निकालनी पड़ेगी कंप्लीटली डिस्चार्ज कितनी बजाएगी, ये ब्लैंक भी तो निकालना पड़ेगा, तो देखो यहां पे देखना, 3 नेक मूवमेंट 5 लैग मूवमेंट के लिए एक यूनिट चाहिए। अब 1500 यूनिट के लिए, 1500 यूनिट है तो 1500 यूनिट के लिए देखो कितना चाहिए होगा, आप सीधा सीधा देखो 1500 यूनिट के लिए कितना कितना चाहिए होगा, तो 1500 यूनिट हो गया आपका, 1500 से मल्टीप्लाई करो, तो 1500 से करोगे ये तो हो गया 4500, ठीक है। अब ये 4500 हो गया और ये आपका कितना हो गया 7500, 7500 हो गया, ये 4500 नेक मूवमेंट है, ठीक है 4500 नेक मूवमेंट होगा और 7500 लैग मूवमेंट होगा 1500 यूनिट में, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी वो निकालनी हो, क्या कहते हैं डिस्चार्ज टाइम निकालना है, तो या तो इसके 30 से कर लो डिवाइड, कितना आ गया 150, तो 150 मिनट हो गया इसका कंप्लीटली डिस्चार्ज। और अगर मैं इसके हिसाब से करूं, ठीक है, तो इससे भी कितना आएगा 150 ही आना है, तो देखो 150 मिनट आना है, वो कैसे भी निकाल लो आप, ऐसे ऊपर वाला भी चेक करते तो ऐसे ही आ जाता, कैसे आता, जब आपने यहां लिखा था 8100 को 90 से डिवाइड करोगे तो 90 मिनट आ गया ना, ऐसे ही यहां पर जब 4500 आया था तो 4500 को जब 25 करोगे तो 90 मिनट, तो इंडिविजुअली किसी से भी निकल जाएगा 90 मिनट आएगा, क्या आएगा 90 मिनट डिस्चार्ज टाइम होगा, यहां तक क्लियर है। अब 90 मिनट डिस्चार्ज टाइम आ गया इसका, अब रोबोट सी की बात करते हैं, ठीक है। रोबोट सी क्या कहता है, रोबोट सी कहता है कि बैटरी सी की जो कैपेसिटी है वो 125% है बैटरी कैपेसिटी ऑफ रोबोट बी, 125%, 2000 का 125% कितना हुआ 2500, तो 2500 हो गया। उसके बाद इसने एक बात बोली है कि जो बैटरी परसेंटेज है वो 60% है, तो 2500 का 60% कितना हुआ, 2500 का 60% हुआ 150, है ना, 25 × 150 हो गया। अब आपको बोला है कि नेक मूवमेंट पर मिनट और रोबोट ए, नेक मूवमेंट पर मिनट इज इक्वल टू, इसका जो नेक मूवमेंट है वो नेक मिनट और रोबोट ए का प्लस 10 है, इसका 10 मतलब 100 पर मिनट हो गया, इससे 10 ज्यादा है। उसके बाद इसने बोला जो लैग मूवमेंट है वो 40 मिनट है, ठीक है 40 मिनट आ गया। इसको थोड़ा बड़ा लिखना है तो मैं बड़ा लिख देता हूं जिससे आपको दिख जाए, ये 100 है, ये 40 है, ठीक है यहां तक कर लिया। अब इसने बोला है 5 नेक मूवमेंट और 2 लेग मूवमेंट, 5 नेक मूवमेंट प्लस 2 लेग मूवमेंट जो है वो 1 यूनिट है, ठीक है 1 यूनिट ऑफ बैटरी,
कंज्यूम करना है। अब वही बात, सीधा सा हिसाब है कि हमें टोटल बैटरी डिस्चार्ज निकालना है, तो कैसे निकलेगा? सीधा सा हिसाब है, देखो, 5 नेक मूवमेंट प्लस 2 लेग मूवमेंट है 1 यूनिट के, 1500 लेना है, तो 1500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1500 यूनिट में कितना, तो ये हो गया 7500 और ये हो गया आपका 3000। ठीक है, अब इसकी आपको पर मिनट क्या वो दे रखा है, तो ये 100 हो गया, तो 100 कटा तो ये आ गया 75 मिनट आ गया यहां। और आप चाहे इससे भी करते, तो देखो इससे भी इतना ही होता, 75 ही आता, तो 75 आ गया, तो 75 मिनट में ये डिस्चार्ज हो जाएगा पूरा। तो ये पूरा था जो मेरे को आपको समझाना था। तो यहां तक आपका बैटरी डिस्चार्ज और वो सब आ चुका है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूरा जो था ना ये तीनों रोबोट्स का, ये सब लिख दिया है, ये 40 पर मिनट, ये 100 पर मिनट, ये पूरा डिस्चार्ज 75 मिनट में होता है, ये 5 मिनट, 2 लेग मूवमेंट, ये सब मैंने आपका लिख दिया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या, चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और 1 को देखते हैं कि कैसा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि रोबोट बी और रोबोट ए जब कंप्लीटली चार्ज हो जाते हैं, 100% चार्ज हो जाते हैं, तो इनको दोनों को कितना टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने में, उनका टाइम डिफरेंस निकालना है। तो आपको मालूम है 900 में इसको 90 मिनट लग रहे हैं, तो 900 में अगर 90 मिनट लग रहे हैं रोबोट ए को, तो 1000 में कितना लगेगा, 100 मिनट। ये तो सीधा सीधा है। ऐसी रोबोट बी की अगर मैं बात करता हूं, तो रोबोट बी की अगर मैं बात करूं, तो देखो इसको 1500 लग रहे हैं, 1500 लगता है इसको 150 मिनट में, तो 2000 का अगर मुझे निकालना, क्योंकि टोटल चार्ज होगा तो फिर 2000 यूनिट होगा, तो 2000 होगा, तो इसको लगा 200 मिनट। इनका डिफरेंस पूछा था आपसे, तो कितना आ गया, 100 मिनट आ गया इसका, कितना आ गया, 100 मिनट। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 100 मिनट। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी हम देखते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल NM एंड टोटल LR उनका डिफरेंस करके जब बताओ व्हेन बैटरी इज कंप्लीटली डिस्चार्ज। तो देखो टोटल NM मतलब आप NM देखो कितना है, 30। किसका पूछा है आपसे, टॉय सी का पूछा है, टॉय सी का पूछा है, ठीक है। तो टॉय सी का 100 है और LM कितना है, 40 है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब LM मतलब नेक मूवमेंट या लेग रोटेशन जो भी है 40 है, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, 60। इनका डिफरेंस कितना हुआ, 60। अब बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगा रही है, 75 मिनट लगा रही है, तो 60 × 75 कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 × 5 = 30, 450, मतलब 4500 मिनट लगेगा इसको, 4500 मिनट लगेगा इसको कंप्लीटली होने में, मतलब डिफरेंस बिटवीन द टोटल NM एंड टोटल LR टॉय बी व्हेन बैटरी रोबोट इज कंप्लीटली डिस्चार्ज। तो कंप्लीटली डिस्चार्ज मतलब इनका डिफरेंस निकाल लो, जो भी डिफरेंस आए उसको कंप्लीटली डिस्चार्ज का टाइम क्या, 75 मिनट, तो 75 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 4500। होप सो आपको ये DI अच्छे से समझ में आई होगी, मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। थैंक यू।